जूस तो बढ़िया बनाता है। चलो भैया पैसे, दुकान बढ़ाने का समय है अभी। पैसे तेरे बता रखी है, खाते में लिख लिया कर। भैया एक महीने से खाते में लिख रहा हूँ, 2000 रुपये ज़्यादा हो गए। बच्चों की फीस भरनी होती है, किराया देना होता है, इतनी महंगाई में भैया गुजारा कहाँ हो रहा है। अबे तू चोर समझ रहा है क्या मेरे को? नहीं नहीं भैया, हैं भाग नहीं जाऊँगा तेरे पैसे लेके। ये जिम देखा है पीछे वाला, ट्रेनर हूँ वहाँ पे, लिख ले अभी, ले लिए बाद में। चलो भैया, भैया भैया वो जूस के पैसे लेने थे। कैसे पैसे? भैया कल 2 लड़के आए थे जिम से, वो कह रहे थे कि गुरुजी देंगे पैसे। गुरुजी देंगे पैसे? गुरुजी ने कही है, खाते में लिख लिए। अरे भैया सुनिए तो। अच्छा हाँ, अरे वो सोनू और मोनू होंगे। एक काम कर, आपसे उन्हें डेली जूस पिला, ठीक है? और खाता खोल लिया उनका भी। चल भैया, ये क्या बात हुई भैया, आपका खाता खोला हुआ है, अब उनका भी खाता खोलूंगा तो धंधा कैसे चलेगा मेरा? अच्छा तो अब तो ये कह रहा है कि तेरा धंधा मेरी वजह से खराब हो रहा है? नहीं नहीं भैया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। तो क्या कह रहा है तू? तो फिर क्या कह रहा है? ऐसा है, जैसा कह रहा हूँ ना वैसा कर, समझा? उन्हें लगा रखे जिम के पीछे रेडी, तूने 1 मिनट में उठवा दूंगा, बता रहा हूँ। चल निकल यहाँ से, जा यहाँ से। सर आप उसके पैसे दे क्यों नहीं देते? अरे तुम्हें क्या पड़ी उसके पैसों की, हैं? और यहाँ पे ट्रेनर हो ना, तो ट्रेनर वाले काम करो, ये समाज से भी बनने की जरूरत नहीं है। ये क्या कर दिया भैया आपने, ग्लास तोड़ दिया। क्या कर दिया क्या मतलब? जानबूझ के तोड़ा मैंने, गलती से टूट गया। एक तो भैया ग्लास तोड़ दिया, जूस के पैसे नहीं दे रहे हो आप महीनों से, और कह रहे हो गलती से टूट गया, नुकसान पर नुकसान करे जा रहे हो आप। अच्छा अब तो अकड़ के दिखाएगा मेरे से। सर रहने दीजिए ना, गरीब आदमी है। भैया मैं देती हूँ आपके पैसे, 1 मिनट। कोई जरूरत नहीं पैसे देने की, इन लोगों से कैसे डील करना है अच्छे से बताया मुझे। भैया मैं तो वही कह रहा हूँ जो जायज बात है, मेरा ग्लास टूटा है, मैं उसका पैसे दे दीजिए बस। अच्छा पैसे चाहिए तेरे को, ये ले अपने पैसे। भैया ये भैया ये क्या कर रहे हो सर? ये ले अपने पैसे। सर 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 मत करिए भैया, साले तू रुक शाम तक, तेरा जितना हिसाब है ना अभी तक का सारा निपटा दूंगा। चलो आए है उधारी तार उसकी। आज सर आपको लोहिया सर बुला रहे हैं। ठीक है, एक काम करो, रोहन को डंबल प्रेस के 4 सेट करवाओ, आ रहा हूँ। ओके। सर बुलाया आपने? हाँ बाद में बात करता हूँ। हाँ भाई कल से तुझे जिम में आने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सर क्या बात हो गई? अरे कुछ हुआ नहीं, एक नया ट्रेनर मिल गया है, तुझसे कम सैलरी लेगा, तो बस अब तेरी जरूरत नहीं है। सर आप ऐसे कैसे कर सकते हो? सर इतने सालों से आपकी जिम में ट्रेनिंग दे रहा हूँ मैं लोगों को, सर मेरा घर चलता है सैलरी से। अरे तो तेरे घर का ठेका मैंने ले रखा है क्या? प्यार से बता रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है? चला जा। सर जी सुन, ज्यादा रोया ना, इस महीने की जो सैलरी है ना वो भी काट लूंगा, ठीक है? चल निकल अब।
शायद मुझे इस वक्त ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैंने पहले भी आपको ये बात कही थी कि हम जो भी करते हैं हमारे पास लौट कर ज़रूर आता है। इसलिए शायद आपने उस रेड़ी वाले के साथ जो किया आपके साथ भी सेम हुआ है। तुम सही कह रही हो मैडम, मैंने अपने ईगो के चक्कर में उस बेचारे जूस वाले के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। आज भगवान उसी का फल दे रहा है मुझे। मैं बस इतना ही कहूँगी आपसे कि फिर से उस गलती को मत दोहराइएगा, और जब भी वो आपको मिले उससे बस माफ़ी मांग लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक सर। अमित भैया, भैया आप क्या चाहिए आपको? तो मैं वहाँ रेडी भी लगाता हूँ। नहीं देखिए, आप डरिए मत, अब मैं आपसे सिर्फ माफ़ी मांगने आया हूँ। हाँ, आज सुबह मेरे मालिक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, तब मुझे एहसास हुआ कि बहुत गलत किया भैया मैंने आपके साथ। प्लीज़ माफ़ कर दीजिए मुझे। और हम ये कुछ पैसे हैं, प्लीज़ इन्हें रख लीजिए। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, ये अच्छी बात है, पर आप ये मत समझिए कि जो मुझ पर बीती वो आपको समझ में आया होगा। आपने वहाँ सरेआम मुझे रोड पर पिटवाया साहब, मेरी रेडी तोड़ दी आपने। यहाँ थोड़ी बहुत कमाई भी होती थी, यहाँ तो कुछ भी कमाई नहीं हो रही है। मुझे ही पता है कि मैं अपने बच्चों को कैसे पाल रहा हूँ, आप चाह रहे हैं कि मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर पाऊँ, और ये पैसे तो मैं बिल्कुल नहीं दूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर आप या आपके मोन में कोई भी कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है तो ज्वाइन कीजिए हमारे फेसबुक और टेलीग्राम कम्युनिटी रिच क्रिएटर्स। वहाँ पे आप कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं या अपने नॉलेज से किसी को सोल्यूशन दे सकते हैं। तो आइए एक ऐसी कम्युनिटी बनाएं जो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में मदद करे। इसका डिस्क्रिप्शन कॉमेंट सेक्शन में देखें। जोर से बोलो, hey!